रविंद्र जडेजा की धर्मपत्नी धार्मिक संस्कृति और सभ्यता के अलावा क्रिकेट खेलने की भी काफी ज्यादा शौकीन है। जब क्रीज पर वह बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्होंने वाकई में सभी को पूरी तरह से अचंभित कर दिया और उनकी बल्लेबाजी को देखने के बाद आखिर क्या बोल गए रविंद्र जडेजा, चलिए जानते हैं। दरअसल आईपीएल में रविंद्र जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आईपीएल 2023 का खिताब जीता था, जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी रिवाबा में बीच मैदान पर न सिर्फ रविंद्र जडेजा के पैर छुए थे बल्कि अपने संस्कारों से सभी का दिल जीत लिया था। वह इतनी ज्यादा महान दिखाई दी कि सिर से पल्लू उन्होंने अपना ढका हुआ था। यही सब चीजें रही जिसके बाद उनकी तारीफों में खूब कसीदे पड़े गए। लेकिन आपको बता दें, रविंद्र जडेजा की धर्मपत्नी इन सभ्यता संस्कृति के साथ क्रिकेट खेलने की भी काफी शौकीन है। मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए उनका एक वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जडेजा की पत्नी एक से बढ़कर एक शानदार शॉट लगाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी की तारीफ में हर कोई कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन उनके पति रविंद्र जडेजा तो इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके जब उन्होंने अपनी पत्नी की बल्लेबाजी का वीडियो देखा तो उन्होंने खूब तारीफ करी। उन्होंने कहा, जिस तरह से रिवाबा बल्लेबाजी कर रही है, मैं भी उनकी बल्लेबाजी के आगे छोटा नजर आता हूँ। उनकी बल्लेबाजी में वह क्लास दिख रही है। किस तरह से साड़ी जैसे कपड़ों में भी वह क्रिकेट खेलने में कंफर्टेबल महसूस कर रही है। यह सब धर्म और संस्कृति उन्हें सिखाती है कि वह दूसरी महिलाओं से कितनी ज्यादा अलग हैं। उनकी बल्लेबाजी वाकई में काफी दिलचस्प है। मैंने भी कई बार उनकी बल्लेबाजी का वीडियो देखा। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वह बल्लेबाजी उन्हें रविंद्र जडेजा ने सिखाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वह खुद काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वह हमेशा चीजों को करने के लिए आगे रहती हैं। इस तरह से जडेजा ने पत्नी की बल्लेबाजी पर अपना बयान जारी किया। वैसा आप सभी को उनकी बल्लेबाजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।